राजस्थानी लोक संस्कृति का अभिन्न अंग पाग पगड़ी साफा। आज का वीडियो पूर्णतया राजस्थानी साफा पाग पगड़ी को समर्पित है। राजस्थान और मारवाड़ की पहचान साफा पाग पगड़ी, और ये जो आप देख रहे हैं ये जोधपुरी साफा और ये पचरंगी साफा है, और विशेष करके जोधपुर के महाराजा इस प्रकार का साफा पहनते हैं, इस वजह से इस साफे का नाम भी जोधपुरी साफा। राजस्थानी साफा जिसे आन बान शान और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न जाति के लोग अलग अलग प्रकार का साफा धारण करते हैं और अलग अलग कपड़ों में और अलग अलग डिजाइन तथा अलग अलग रंगों से विशेष जाति की पहचान मारवाड़ क्षेत्र में होती है। प्राचीन समय में किसी बुजुर्ग के सामने बिना सिर ढके जाना या बिना साफे के जाना अपमान का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में सिर्फ शादी विवाह के मौक़ों पर ही साफे का प्रचलन है, लेकिन रजवाड़ों में आज भी ये संस्कृति कायम है और वहाँ पर नौकर चाकर और उनके यहाँ पे काम करने वाले कारिंदे आज भी साफा धारण करते हैं। साफा मारवाड़ी संस्कृति का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बगैर कोई भी मांगलिक कार्य अपूर्ण माना जाता है। शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसर पर मेहमानों का स्वागत एवं बहुमान राजस्थानी साफा पहनाकर किया जाता है। यही राजस्थान और मारवाड़ की लोक संस्कृति है। वर्तमान में साफे का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है और सिर्फ विशेष आयोजन एवं शादी विवाह के मौक़ों पर ही साफा पहना या पहनाया जाता है। लोक सांस्कृतिक विरासत साफा की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है, जो कि एक चिंता का विषय है। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर बलोतरा में मशहूर असलम भाई साफा वाले उनके दुकान पर, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साफे आप देख सकते हैं यहाँ पर सजे हुए हैं। ये बहुत ही पुरानी बरसों पुरानी दुकान है। भाई साहब, आपकी ये साफों की दुकान कितने साल से? साफों की दुकान तो कड़क तो कई सालों से परंपरा पीढ़ी चला रहे हैं। पीढ़ी से रंगाई सफाई का काम है। सफाई का ये किराए का धंधा तो 4-5 साल हो गए हैं। हाँ, पहले तो हम तो रंगत का काम करते, ओढ़ना मैचिंग वगैरह साड़ी। प्राचीन समय में हर गांव एवं शहर में कपड़े की रंगाई बंदेज एवं कड़प लगाने का कार्य करने वाले पुश्तैनी रंगरेज परिवार रहा करते थे और उनका धंधा बहुत अच्छा चलता था। लेकिन वर्तमान में फैशन के इस युग में जहां साफा पहनने की संस्कृति में बदलाव आया है एवं अब साफे की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है और इसका असर इन रंगरेज परिवारों पर भी पड़ा है। इस वजह से बहुत से रंगरेज परिवारों ने अपना पुश्तैनी कार्य छोड़ दिया है और किसी अन्य रोजगार में लग गए हैं। जोधपुरी साफा है ये। जोधपुरी साफा है तो ये आप देख रहे हैं, ये जोधपुरी साफा अलग अलग स्टाइल में। ये जो साफा है ये सब आप किराए पे भी देते हैं और बेचते भी हैं और इनका कड़प भी लगाते हैं। ये पचरंगी है, ये शतरंगी है और ये पिंड में है। आप देख सकते हैं इनके पास में ये सांपों का ढेर लगा हुआ है। ये अलग अलग प्रकार के सांप, ये सांप राठौड़ी सांप, गोल गोल राठौड़ी, ये गोल राठौड़ी सांप। तो इनके पास में अलग अलग वैरायटी में अलग अलग कपड़ों में और अलग अलग डिजाइन में और अलग अलग स्टाइल में बंधे हुए सांपे हर समय रेडी में तैयार मिलते हैं। एक साफे का किराया कितना कितना लेते हैं? लगभग 80 रुपए। हाँ, तो अगर कोई अगर लॉट में आई जस्ट 100 साफे 50 साफे एक साथ में दो तो भी यही रेट लगता है। यही रेट 80 रुपए। और बारे और गुजरात सूरत जाते हो तो 150 रुपए किराया, मतलब यहाँ से राजस्थान से बाहर का अलग है। 150 रुपए। भाई साहब की दुकान बरसों पुरानी दुकान है। इनके दादाजी भी
साफा बनाने का काम करते थे और ये पुश्तैनी जो है ये रंगरेज है और ये पुश्तैनी तौर पर ये साफा रंगने और इस पर कड़प चढ़ाने और बांधने का काम करते हैं। साफा आप खुद बांधते हैं? भाई हमारे बच्चे बांधते हैं, हम तो खाली। आप बांधते साफा बांधते? भाई साहब आप क्या काम कर रहे हैं? ये मतलब रंगाई का काम करते हैं आप और साफा किराए देते हैं, साफा के कड़प भी करते हैं। तो अभी साफे का जो है प्रचलन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, संस्कृति भी ये साफे की संस्कृति धीरे धीरे कम हो रही है, इसका आपके व्यापार पर भी कुछ असर पड़ा है? असर पर पड़ा है, यानी पहले जो है हर व्यक्ति साफा बांधता था, साफा पहनता था और साफे की जो एक अलग पहचान थी राजस्थान की, मारवाड़ की शान है साफा या पगड़ी। आज आपका ये व्यापार साफे का व्यापार वो धीरे धीरे पारंपरिक संस्कृति के विलोप की वजह से जो साफे का कारोबार कम हो रहा है, मतलब साफे का कारोबार से आपका क्या असर पड़ा है? असर तो यह है पहले पहले वो क्या लॉकडाउन के हिसाब से पहले क्या है कि साफा 100 साफे जाते थे, अब लोग ले जाते 25 साफे, 30 साफे, 20 साफे ले जाते हैं, तो इससे मतलब आपका गुजारा भी चलाना मुश्किल मुश्किल चल रहा है। तो शादी विवाह के सीजन में आपका काम ठीक चलता है? चलता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्या है वो कड़ो बंदे ही चलता है, कड़ो बंदे ही का व्यापार, लेकिन किराए में बहुत कम चलता है। जो आज से 10-15 साल पहले जो व्यापार था वैसा व्यापार नहीं है, सरकार से विशेष योजना चलाए हमारे कारोबार में लाभ है। तो सरकार से आप चाहते हैं कि कोई ऐसी विशेष योजना आपके लिए, दस्तकारों के लिए, रंगाई छपाई करने जुड़े हुए व्यापार के लोगों के लिए कोई विशेष योजना चलाई जाए जिससे आपका रोजगार अच्छा से चलता रहे? शुक्रिया। तो अगर आपसे कोई साफा या खरीदना चाहे या आपसे साफा बनवाना चाहे तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस वगैरह बताइए। हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस है बिलोजी बाजार चिताने का दूरा और नंबर है 99 835 79 456। ओके, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।